एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। संबल पुलिस ने किया इनामी बदमाश को ढेर। मुरादाबाद से पेशी पर आने के बाद अपने दो साथी कमल जो जनपद अमरोहा में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और धर्मपाल के साथ मिलकर दो सिपाहियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर और टोली मारकर पुलिस बैंड से भाग गए थे। घटना में दोनों सिपाही शहीद हो गए थे। आज थाना रजपुरा के मौलनपुर के गाँव गंगा खादर के जंगल से पुलिस को शनाख्त लगी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की तो जिसमें अनचित चल रहा इनामी बदमाश ढेर हो गया और एक सिपाही भी घायल हो गया। मौके से तीन फरार हो गए। संबल के पुलिस अधीक्षक बाल बाल बचे। फरार हुआ था दो हमारे शहीद सिपाहियों का शहीद करके फरार हुआ था उसमें एक अपराधी है ये सचिन और बाकी इसकी जानकारी और आगे की मेरी कार्रवाई की जा रही है। इस पर तो सर 2.5 लाख रुपए का नाम था। हाँ जी हाँ, इसके ऊपर हमारे डीजीपी महोदय द्वारा 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। सर इसमें आप पर भी जानकारी मिली, आप पर भी फायरिंग हुई सर? हाँ जी, हमारी पूरी जो टीम थी, कई टीमें लगी हुई थी, उसमें लगातार यह दुर्दांत अपराधी था, लगातार फायर कर रहा था और इसके पास से दो पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है, कई कॉटेज बरामद हुए हैं और अभी भी काम जारी है। इसके साथ ही जो फरार हैं उनके भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, आपको वो भी फायर लगा था? फायर हमारे ब्लडपुर गए। संबल से तरुण ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट।